could be us. So back to what I was saying. Could be us. गाइस दिस इज माय चैनल कंफर्ट फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। आइए देखते हैं फिर आधा लीटर दूध से हम 2 लीटर आइसक्रीम अपनी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इसे मैं बॉयल करने रखती हूँ। देखिए हमने दूध बॉयल करने रख दिया है अभी ये। अब इसमें हम साथ के साथ अपनी 100 ग्राम्स शुगर ऐड कर देंगे, अपनी चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं रेगुलरली। आप सोच रहे होंगे ज़्यादा हो जाएगी, पर ट्रस्ट मी जब ये राइज होगी आइसक्रीम तो कोई ज़्यादा नहीं होगी। अब इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए दूध को, चीनी मेल्ट होने तक। इतने हम थोड़ा सा दूध अलग लेकर उसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा मिल्क इसी में से थोड़ा सा अलग ले लिया है। अब इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून अपना मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव है, आप खोया डाल सकते हैं। मैं भी यहाँ खोया यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ खोया डाल देंगे इसमें। और इसमें साथ के साथ हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। और साथ ही जाएगा इसमें GMS पाउडर। ये इसकी भी सेम क्वांटिटी जाएगी, 1.5 टेबलस्पून। GMS पाउडर यूज़ किया जाता है एक इमल्सीफायर की तरह। इमल्सीफायर का मतलब है कि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई चीज़ सेपरेट ना हो। ये हमारी 1.5 टेबलस्पून गया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लीजिए। देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है और हमने जो अपना मिक्सचर बनाया था वो भी अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए देखिए ये हमारे मिक्सचर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे मिल्क में ऐड करते हैं। और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, वैसे कि थोड़ा सा मिल्क गाढ़ा हो जाए। ये देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये दूध। बस इसको 30 सेकेंड और हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बॉईल करेंगे। बॉईल नहीं आने देना है, थोड़ा सा मिक्स करना है बस। बिल्कुल स्लो गैस की हुई है मैंने और फिर हम गैस अपना ऑफ कर देंगे। देखिए ये बैक साइड कोट कर रहा है हमारे स्पून की। अब हम गैस बिल्कुल ऑफ कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर हम इसे 8 घंटे के लिए अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र के अंदर रख देंगे सेट होने के लिए। आ चुका है ये, अब इसे हमने फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई है, हमने 8-10 घंटे इसको फ्रीज़र में रखा था अपना। अब इसको बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर नहीं आने देना है। जैसे ही ठंडी है ऐसे ही इसे काट कर और इसको हम फेंटना स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, बस जो इजीली बाहर आ जाए। ये 2 लीटर की कैपेसिटी है, इसके अंदर अपने आइसक्रीम डाल दिए पीसेस करके। अब इसको फैट लेंगे अच्छे से। देखिए हमें 10 से 15 मिनट हो गए इसे फेंटते हुए। ये इतनी राइज हो चुकी है अभी आधी। अब इसमें हम अपना वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। आप इस स्टेज पर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए अब 1 मिनट हो चुका है इसे फेंटते हुए और हमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालने के बाद। अब इसमें हम अपने डालेंगे ये 1 कप व्हिप क्रीम।
अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है कोई बात नहीं, आप इसमें अपने घर की मलाई भी डाल सकते हैं। अब इसको और अच्छे से हम फेंट लेते हैं इसे। देखिए हमारी आइसक्रीम कितने अच्छे से राइज हो गई है और राइज होकर बिल्कुल ऊपर तक आ गई है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अभी से हम किसी कंटेनर में रख करके अपने फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे और फिर आपकी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम इस कंटेनर में अपनी आइसक्रीम खाली कर देंगे। देखिए ऐसा आइसक्रीम आपने करके और अपने फ्रीजर में सेट करने के लिए रख दीजिए। इसे बंद कर दीजिए अच्छे से सील, ताकि आइस क्रिस्टल्स ना जमें, और इसे अपने फ्रीज़र में रख दीजिए अपना 2-3 घंटे तक सेट होने के लिए। अब हमने 4-5 घंटे के बाद अब इसे हम निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आइए इसे सर्व करते हैं। एक स्कूपर लेंगे, थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे उसे और आइसक्रीम निकालेंगे अपनी। ये देखिए कितनी अच्छी स्मूथ टेक्सचर आया है हमारी आइसक्रीम का, और अपने इसे कप में सर्व करेंगे। ऐसे एक और स्कूप निकालेंगे हम उसमें से। और अपने चॉकलेट सिगार से इसे हम डेकोरेट करेंगे। और ये लीजिए आपकी वनीला आइसक्रीम एकदम तैयार है। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।